तो ये जो है लैपटॉप है डेल का, और मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से जो लैपटॉप है डेल का, इसका हम जो है डीवीडी रोम जो है किस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं और इसके अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं कभी ये ख़राब हो जाए। तो ये आप देखेंगे, ये डेल का लैपटॉप है और मैं इसका आपको मॉडल नंबर दिखाता हूँ। तो आप इस तरह से इस बटन को प्रेस करेंगे यहाँ से, तो ये ओपन हो जाएगा इसका। तो मैं आपको इसका मॉडल दिखाता हूँ। तो ये है इसका डेल लेटीट्यूड E6410। तो इसकी जो सीडी रोम है उसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी सीडी रोम जो है आप देखेंगे यहाँ है ये सीडी रोम। तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम इसको रिप्लेस करेंगे, या अगर ये ख़राब हो गई है तो इसका हम जो है चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लैपटॉप को हम इस तरह से बंद कर देंगे और इसको टर्न करेंगे। इसकी जो बैक साइड है वो इस तरह से यहाँ, तो आप यहाँ देख रहे होंगे साइड में ये लैपटॉप जो है, ये यहाँ पे इसकी डीवीडी रोम लगी है, ये आप देखेंगे ये डीवीडी रोम है। तो किस तरह से हम ओपन करते हैं, तो अगर आपको खाली डीवीडी रोम को ओपन कर निकालना है बाहर, तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा है, इसको सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ये स्क्रू है, यहाँ पे हम इसको ओपन कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसका स्क्रू जो है वो ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगा, ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया स्क्रू को, ये आप देख रहे होंगे। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रेस करेंगे अपने थंब से अंदर तक इसको प्रेस करना है, और इसके अंदर आप देखेंगे ये इस तरह से ये बाहर आ जाएगी। तो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, इसी तरह से ये लॉक होगी। तो आपको ये प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद ये देखेंगे आप इस तरह से छोड़ेंगे तो ये आ जाएगी, और इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी डीवीडी रोम जो है वो बाहर आ चुकी है। तो आप ये देखेंगे ये डीवीडी इस तरह से, आप जो है इसको कभी आपकी ख़राब हो जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको। और ये आप देखेंगे यहाँ डेल की है, ये आप देख सकते हैं इसका डीवीडी राइटर, और ये तो इसी डिज़ाइन की, ये जो बिल्कुल डिज़ाइन है इसका आप देख सकते हैं इसमें, इसका जो मॉडल है डेल का। तो आप जो है इसको मार्केट से ख़रीद के और ख़ुद इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से इसको लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे ये डाउन एरिया है लैपटॉप का, और इसको किस तरह से हमें लगाना है, तो ये आप देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है, इसको हम टर्न करेंगे ऐसे। और ये आप जो कोना देख रहे हैं, ये कॉर्नर जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉर्नर जो है आपका इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे आएगा इसको, और इसको हम इस तरह से ये देखिए अंदर तक इसको पुश कर देंगे तो ये चला गया है। और उसके बाद ये जो लॉक है इसको हम जाके प्रेस करेंगे इस तरह से, और ये देखिए आवाज़ आती है इसमें, ये लॉक करने पे भी आवाज़ आती है और इसको अनलॉक करने पे भी आती है। ये देखिए टिक टिक इस तरह से आवाज़ आती है ये, और इसको इस तरह से हम इसको ये खींच लेते हैं तो ये रोम हमारी निकल जाती है। और इसी तरह से हम इसको लगा के और ये लॉक प्रेस कर देते हैं अंदर का। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि डेल का जो लैपटॉप है किस तरह से हम डीवीडी रोम उसकी चेंज करेंगे, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है इसके अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू। और उसके बाद जो ये स्क्रू है इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। अगर ये स्क्रू हम नहीं लगाएंगे तो ये कभी एक्सीडेंटली आपका यहाँ पे प्रेस हो जाए और तो ये डीवीडी रोम जो है आपकी वो गिर जाएगी और वो टूट सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इसको स्क्रू को आप लगा दें, तो इस तरह से ये मैंने लगा दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू गाइस।